नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस रेसिपीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, गणेश उत्सव चल रहा है, सभी के घर में गणेश जी आए हैं, तो आज हम गणेश जी स्पेशल मोदक बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए हमने लिया है एक छोटी कटोरी गेहूं का आटा, एक बड़ी कटोरी मैदा, नमक स्वादानुसार और 2 चम्मच तेल। तो सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें मैदा डालेंगे, ये गेहूं का आटा, नमक स्वादानुसार, इसमें ये 2 चम्मच तेल डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगा लेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इस तरह से आटा लगा लेना है। आटा ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज्यादा हार्ड होना चाहिए, हमें मीडियम आटा लगाना है। तो इसमें हम और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा तेल डालना है और इसे फिर से अच्छी तरह से भून लेना है। ये देखिए, ये आटा गूंद के अभी तैयार हो गया है। अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। मोदक की स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने मावा लिया है, ये होममेड मावा है। मावा कैसे बनाते हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। एक बड़ी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट है, 2 से 3 चम्मच कंडेंस मिल्क, पाउडर शुगर है। यहाँ पे हमें पूरा पाउडर शुगर का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसमें 2 से 3 चम्मच शुगर का इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम और पिस्ता का बारीक कट करके दिया। सबसे पहले हम इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे, उसके बाद हम इसमें मिल्क मेड डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट नहीं है तो आप घर में ही जो सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें मावा डाल देंगे, तो हमें पूरे मावा का इस्तेमाल इसमें कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ये 2 चम्मच पाउडर शुगर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसके बाद हम मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आटा लिया है, अब हम इसे थोड़ा सा और अच्छे से गूंद लेंगे। इसके बाद हम इसके छोटी छोटी लोई बना लेंगे। गणेश जी के लिए 5, 11, 21, 51, 101 ऐसे मोदक बनाते हैं, तो आज हम 11 मोदक बनाने वाले हैं। अब हम इसे इस तरह से गोल गोल करके रख लेंगे। इसके बाद हमें इसे बेलना है। इसके बाद हम इसे राउंड शेप में कट करेंगे, क्योंकि हमें हमारे मोदक के साइज सेम चाहिए है। अगर हम पूरी को कट नहीं करते हैं तो कोई पूरी बड़ी हो जाएगी, कोई पूरी छोटी हो जाएगी, तो इससे मोदक का साइज भी चेंज हो सकता है। तो हम इस ग्लास की मदद से, आपके पास जो भी है छोटा कट करने के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसकी मदद से इसे इस तरह से कट कर देंगे और ये जो पूरी है हमें इतनी ही साइज के मोदक चाहिए है, तो इसलिए हम इसे कट करके इसे रख देंगे। इसी तरह से हम सारी पूरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने इस तरह से 11 पूरियां तैयार करके रखी है। अब हम इसमें जो स्टफिंग बनाई थी वो डालेंगे। इस तरह से हम स्टफिंग के भी छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम ये एक पूरी लेंगे और इसमें हमारा ये छोटा सा बॉल रखेंगे और इसे हमें साइड से इस तरह से प्लेट्स तैयार कर लेना है। इस तरह से हम इसे साइड से दबा लेंगे जिससे कि प्लेट तैयार हो जाती है। ये जो प्लेट है हमें ये पूरा नीचे से तैयार करना है, तो इस तरह से हमें इसे इधर से पूरा नीचे से दबा लेना है, इस तरह से ऊपर करना है जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं, और ऊपर से बंद कर लेना। ये देखिए, हमारा ये मोदक बन के तैयार है। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। तो हमने इस पे ये जो स्टफिंग है ये डाल दी है और इसे इस तरह से फोल्ड करना है, इसकी प्लेट्स तैयार करनी है। चारों तरफ से हम इसकी प्लेट तैयार कर लेंगे और इसे ऊपर करके इस तरह से इसे बंद करना है।
ये देखिए हमारा ये मोदक बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने मोदक को तैयार कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। मोदक को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो गया है, हमें इसे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे ही पकाना है। इसके बाद हम फ्लेम को लो मीडियम पे रख देंगे और इसे चलाते जाना है। इसे लगातार चलाते रहना और लो मीडियम फ्लेम पे पकाने से इस पे बबल्स नहीं आते और ये क्रिस्पी भी बनते हैं। ये देखिए ये हमारे मोदक बनके तैयार है, अब हम इसे प्लेट भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारे मोदक बनके तैयार हो गए हैं, ये बहुत स्वादिष्ट मोदक बने हैं। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।